खाना खा लिया ना तुम, तो पूजा कैसे करेगा अब? खाना खा लिया ना तो पूजा तो नहीं करेगा अब। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज एक न्यू ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो है संडे है, और संडे है और आज जो है काफ़ी धूप अच्छा किया हुआ है। तो आज थोड़ा सा घर में कुछ काम था और जिसके वजह से ये देख सकते हैं कुछ गेहूं था, जिस गेहूं को हम लोग धो करके और सुखवाए हुए हैं, सुखाने के लिए डाले हुए धूप में। धूप अच्छा किया हुआ था तो माता जी ने गेहूं को धो दी और बोली थोड़ा धूप में डाल दो, तो धूप में डाल दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये गेहूं में काफ़ी जो है वो क्या बोलते हैं सुंडी, एक कीड़ा होता है सुंडी टाइप का जो लग गई है, और ये बहुत सारा गेहूं का जो है सत्यानाश हो रहा है। ये देख सकते हैं गेहूं इस तरीके से, ये स्टोर रूम है, कुछ कुछ इसमें जो है सामान इस तरह से चावल गेहूं एक्स्ट्रा जो होता है यहाँ ऊपर रखा जाता है, क्योंकि रूम में इतना जगह नीचे नहीं है, छोटा छोटा रूम है, तो इस वजह से जो है। और ये कुछ इस तरह का सीन है बाहर का, ये देख सकते हैं एक मंदिर है घर के सामने में। और मंदिर शहरों में ऐसा इस तरह का नहीं होता है, जहाँ कॉलोनी होती है और नगर पालिका के अंदर अगर आता है तो वहाँ साफ सफाई ज़रूर होती है। तो आज संडे है, आज का दिन देखते हैं कैसा कट रहा है। आज कहीं किसी ऑफिस में जाना नहीं है और आज घर पर ही समय बिताना है। अगर टाइम मिलता है तो फिर बाहर निकलते हैं और आप लोग फिर से एक ब्लॉग दिखाते हैं। और आप जो देख सकते हैं ये जो रोड है इस तरह से, यहाँ से निकलते हैं इस रोड से और ये रोड पकड़ करके सीधा वहाँ से हाथीखाना मोड़ की तरफ जाता है ये रास्ता। हाथीखाना मोड़ जा करके फिर वहाँ से राइट कट करके और सगुना मोड़ होते हुए आप निकल सकते हैं पटना के लिए। तो इस तरीके से जो है क्या हो, ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से आनंद बाजार है बाग समथिंग 300-400 मीटर की दूरी पर, अच्छा मार्केट है, ज़रूरत की सब सामान मिल जाती है। क्या हुआ जी, तो टॉर्च लेके दिन में क्यों घूम रहे हो? हैं, दिन में टॉर्च लेके क्यों घूम रहे हो? ये एक छोटा सा टॉर्च ले लिया है और उसको लेकर के कल रात से ही घूम रहा है। तो बचपन हरगम से बेगाना होता है, बच्चा लोग का यही हाल है, बचपन में सब ऐसे ही करते हैं और होना भी चाहिए, बचपन थोड़ा नटखटपन होना चाहिए। तो अभी जो है आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहला दिन आज नवरात्रि का शुरू हुआ है। आज मैं सोचा आज व्रत रखूं लेकिन मैं भूल गया, मुझे दतुन से मुंह धोना चाहिए, मतलब मुंह धोना चाहिए था, दांत करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या किया ब्रश से याद नहीं रहा कर लिया, क्योंकि आज मेरा उपवास रखना था मुझे, जो याद नहीं रहा तो अब सॉरी। क्या कर सकते हैं, फिर देखते हैं फिर। तो अगले अष्टमी भूखने का प्लान है, उपवास रखने का प्लान है भी, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा मुझे एकम। आज से मुझे सोचा था कि मैं आज सिर्फ व्रत रखूँगा और एक अष्टमी व्रत रखूँगा जो नवरात्रा में, और काफ़ी अच्छा महीना लगता है अक्टूबर नवंबर का महीना जो होता है, इसमें काफ़ी त्यौहार आते हैं रस्ते में। अभी ये दुर्गा पूजा भी शुरू हो गया, इसके बाद फिर लक्ष्मी पूजा आएगा, फिर छठ पूजा आएगा, ये तीन पूजा जो होता है काफ़ी बिहार में तो मतलब कहना ही नहीं, छठ पूजा के टाइम में और दीपावली के टाइम में काफ़ी यहाँ उत्सव हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है और एक अलग टाइप का माहौल बनता है। उस दीपावली के नाम पर, छठ पूजा के नाम पर इतनी साफ़ सफाई ज़ोरों से होती है, काश ऐसी साफ़ सफाई हमेशा होती है यहाँ पर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अमूमन जो है पूरा आप देखेंगे कि छठ पूजा जब आएगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे गली नली कचरा सब साफ़ कर देते हैं। तो एक अच्छा है लेकिन फिर भी साफ सफाई हमेशा होना चाहिए। तो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हैं क्यों बदमाशी कर रहे हो? स्कूल नहीं गए तो, संडे है तो पूरा घर में बदमाशी करोगे? हैं आज पूरा बदमाशी करने का प्लान है? जाओ जाओ नीचे, तुम पैदल चलो ना, तुम क्या मतलब 6 महीने का बच्चा हो? बहुत बदमाश हो गया, तो इतना भारी हो गया, फिर सीढ़ी में पैर मार रहा, क्यों बदमाशी कर रहा है इतना? चलो चलो उतरो,
चलो उतरो। खुश हो गया पीठ पर चढ़ के? हैं पीठ पे चल के खुश? तो तुम्हारा धोने से वो रहेगा, उसे धोवा फिर धोना पड़ेगा, साफ तो हुआ नहीं है। क्या फायदा धोने से? मम्मी का ठीक। फिर मम्मी को धोना पड़ेगा ना, तो क्या फायदा हो रहा धोने से? नहीं धोना है, मैं धोऊंगा। नीचे गिर जाता है कपड़ा? बेडशीट धो देगा? जितना तुम्हारा वजन है उतना ही बेडशीट का वजन है। सरफ बर्बाद मत करो, छोड़ दो, चलो तुम्हारा बस के बाद। पानी चलिए रहा, नल बंद किया तू? नहा धोवा के चलो, जब खाना खाओ। बहुत काम कर दिया, अभी धोना पड़ेगा फिर गारना पड़ेगा उसको। बोलो इधर देखो बाबू। ए बोलो पापा, पापा बोलो। अब कब बोलेगी? क्या हुआ? क्या क्या? ये देखो इधर। हेलो बेटा भूचन, हेलो, क्या कर रही हो? इधर देखो बाबू, इधर 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है। क्या कर रही है, क्या कर रही है? खेल रही है? हैं? तुमको सब आकर में छोड़ दिया है अकेले गैलरी में? हैं? आओ इधर आओ, आओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आओ, गुस्से में हो। तो दोस्तों अभी जो है नवरात्रि का पहला दिन है और अभी हम नहा धोवा करके रेडी हो चुके हैं और अभी जो है माता रानी का ये पूजा करने जा रहे हैं। यहाँ पर पूजा करेंगे और पहला दिन है और पूजा करते समय आप लोगों को दिखाते हैं। और ये मेरा बदमाश बेटा है जो कि खूब डांस कर रहा है। गिर जाएगा गमछी। खाना खा लिया ना तुम? तो पूजा कैसे करेगा? खाना खा लिया ना तो पूजा तो नहीं करेगा। मम्मी ले ली है बनाने के लिए। तुमसे नहीं बन रहा ना। कौन सा तेल है ये क्या है? ये घी है, लीजिए हम धराते हैं। फाइनली हम लोग पूजा कर ली है और अभी जो है आज मेरा व्रत तो टूट ही गया है, बताया थी आपको सुबह में। तो
अभी जो है तैयार है भोजन करने के लिए और उसके बाद फिर निकलेंगे। आई होप वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भाई के चैनल को आगे बढ़ाइए। तो आज का ये ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।